चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्यूके स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहां पर इंडियन आर्मी के क्लर्क का और मैथमेटिक का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा दोस्तों। और ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए, जो गत वर्षों में कई दफ़ा पूछे गए हैं और जिनके बहुत बहुत आने की संभावना है दोस्तों, इनको हमने लिया है। तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को देखेंगे और इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठाएंगे। दोस्तों देखिए, ये हमारे अलग अलग टॉपिकों के क्वेश्चन हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं, हमारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं और भी हमारे यहाँ पर प्रतिशत वाले भी क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा है, ये आपका फैक्टराइजेशन वाला है। एक्स क्यूब प्लस 64 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 16 का जी सी डी क्या होगा। दोस्तों देखिए, आपको जी सी डी निकालना है, अर्थात आपको यहाँ पर दोनों के पहले फैक्टर करने पड़ते हैं और उनमें जो आपका कॉमन होगा वो आपको देखना पड़ता है। तो पहले तो दोस्तों आप इनके फैक्टर कर लेंगे। देखिए, आपको एक दिख रहा है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 64। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये आपका क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस 4 का क्यूब है, अर्थात ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा आपका। और जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फैक्टर करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, ए प्लस बी अर्थात एक्स प्लस 4 करेंगे और ब्रैकेट में बचता आपका एक्स स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस माइनस ए बी। तो ये आपका बचता है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आप ए और बी रख देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए, वैसे ही आप अगले वाले का भी फैक्टर कर दीजिए। ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 16 अर्थात 16। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 का जब आप दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर। अब देखिए, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दोस्तों आपका होता है एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब आप देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पर दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या है, आपका एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जी सी डी हो जाएगा, अर्थात ये आपका कॉमन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है डी वाला यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यदि 3x प्लस 2y बराबर 14 हो और xy बराबर 8 हो तो आपको बताना है 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब बराबर क्या होगा। दोस्तों आपने यहाँ पर देखिए, आपको क्यूब निकालना है, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर 27x क्यूब और 8y क्यूब। जब दोस्तों आप इसका क्यूब करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब भी मिल जाएंगे और 27 और 8 भी मिल जाएंगे। देखिए, तो आप क्या कीजिए, आप इसका यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, 3x प्लस 2y का क्यूब करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, a प्लस बी का क्यूब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब होता है, ए क्यूब मतलब 3x का क्यूब और प्लस बी क्यूब तो 2y का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होता है दोस्तों फिर दोबारा अर्थात 3x प्लस 2y, ये आपका ब्रैकेट के अंदर होता है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद होना चाहिए दोस्तों। आप यहाँ पर a और b रख लीजिएगा तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे आपका क्या मिलेगा, 27x क्यूब और प्लस 8y क्यूब और प्लस, देखिए यहाँ पर ये 3 आ गया और 3 और इंटू 2 दोस्तों यहाँ पर 6 आ गया और xy क्या आ गया, xy बराबर आपको दिया है 8, तो 8 आ गया और इंटू ये आपको यहाँ पर दिया है 14, तो 14 आ गया। अब देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर 3x प्लस 2y की जगह पर क्या रखेंगे, 14 का क्यूब, ये आ गया आपका 14 का क्यूब इक्वल टू, इनको आप वैसे रख दीजिए एज इट इज, क्योंकि आपको ये निकालना है 27x क्यूब और प्लस 8y क्यूब और प्लस, दोस्तों इनको गुणा कर दीजिए आप, इनको गुणा करके आपका आता है 2016, इतना आ गया। और दोस्तों इसका आप जब क्यूब करेंगे, 14 का क्यूब आप जब करेंगे तो आपको मिलता है 2744 और ये आपका इधर आ जाएगा माइनस 2016 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 27x क्यूब और प्लस 8y क्यूब। तो दोस्तों आप यहाँ पर घटा दीजिए इनको, तो ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा और ये आपका आता है 728। तो 728 क्या आ गया आपका दोस्तों, जो आपको यहाँ पर पूछा गया था वैल्यू, ये आपके यहाँ पर निकल के आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और इनको निकाल लेते हैं। अब देखिए, हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये त्रिकोणमिति पर आधारित यहाँ पर है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो हमारी होती है उनके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में कौन सा वाला मेल सही है, अर्थात आपको बताना है कौन सी वाली आइडेंटिटी यहाँ पर सही नहीं है, जो आपकी सही है वो ठीक है और जो नहीं है वो आपको छांटनी है। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका यहाँ पर क्लियर है। और ये दोस्तों आपका दिया है साइन ए इक्वल टू टेन ए गुणा
कॉस ए आप निकाल लेंगे। आपको पता है साइन ए इक्वल टू टेन ए की जगह पर आप रख देंगे साइन ए बट्टे कॉस ए, क्योंकि आपको पता है टेन ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए होता है गुणा आपको कॉस ए दिया है, तो ये आप काट देंगे तो दोस्तों क्या है आपका साइन ए, तो ये आपका ठीक है साइन ए बराबर आपका साइन ए आ रहा है तो ये भी आपका ठीक है। अगला देखिए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉशेक स्क्वायर ए, ये वाला भी आपका क्लियर है क्योंकि दोस्तों ये आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो ये आपके दिए हैं। और ये दोस्तों आपका देखिए वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा या फिर आप कहें वन माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर टेन ए आपको दिया है, ये आपका गलत है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला गलत दिख रहा है, तो यही आपका यहाँ पर टेक हो जाएगा क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पर वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको याद रखने हैं ये फॉर्मूले। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया, निम्न में कॉम्प्लीमेंट्री या फिर आपके हिंदी में संपूरक कोड कौन से हैं। दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिया है क्योंकि कभी कभार आपको इंग्लिश में पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हमारा संपूरक होगा या पूरक होगा। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब संपूरक होता है आपका, और संपूरक मतलब दोस्तों जिनका योग जिन कोडों का योग आपका 90 होगा वो आपके संपूरक कहलाते हैं। अब देखिए दोनों का योग जिनका 90 आएगा वही आपके संपूरक होंगे। आप यहाँ पर बी वाला देख रहे हैं, बी वाले में 5π/12 + π/12 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 6π/12 आता है और ये आपका π/2 आता है, और π/2 बराबर कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि दोस्तों आपका पाई का मान 180 डिग्री होता है ये आपको पता होगा, तो 180 का आधा कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरह आपको देखना पड़ता है। और दोस्तों वैसे आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है जो पूरक होता है वो आपके 180 डिग्री उनका योग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन उसी पर डिपेंड है, दो पूरक कोणों का अनुपात यदि 4:5 हो तो बड़ा कोण इनमें से है कौन सा है आपको बताना है। देखिए जब आपको पता होगा कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, मान लीजिए पूरक कोण ए और बी हैं तो इन दोनों का योग यहाँ पर 180 होता है, ये आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है। जैसे आपने यहाँ पर देखा ए प्लस बी बराबर कितना था 90 होना चाहिए था, तो वैसे यहाँ पर 180 होता है। अब देखिए ये दोस्तों आपके यहाँ पर अनुपात आपको दिया है ए अनुपात बी बराबर आपको दिया है 4:5। अब मान लीजिए दोस्तों आपका पहला वाला 4x है और अगला वाला आपका 5x है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 है, तो दोस्तों ये आपका क्या आ जाएगा, ये 9x बराबर 180 आ जाएगा और x बराबर आपका आ गया, ये काट देंगे आप 20 आ गया आपका। तो दोस्तों आपका x बराबर 20 आ गया, तो पहला कोड कितना आ गया, पहला कोड आपका यहाँ पर 20×4 आ गया अर्थात 80 आ गया, और अगला कोड आपका 20×5 आ गया अर्थात यहाँ पर 100 आ गया 100, और इन दोनों का योग आप देख रहे हैं 180 आ रहा है। तो दोस्तों बड़ा वाला आपको बताना है तो बड़ा वाला क्या है, यहाँ पर 100 आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिशत वाला है, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। एक फौज में 6% सैनिक मारे गए फिर भी 282 सैनिक वहाँ पर बचे हैं, तो लड़ाई में कितने सैनिक शहीद हुए। दोस्तों देखिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 6% मारे गए, तो पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना है, जो बचे हुए हैं वो आपको दिया है, तो बचे कितने दोस्तों 100 - 6 क्योंकि 6 यहाँ पर चलेगी, तो 100 - 6 कितना होगा आपका 94 आपके बचे हैं और 94% बराबर आपको दिया है 282। जब भी आपको यहाँ पर 94% या फिर 80 जितने भी यहाँ पर मिले, पहले दोस्तों आप 100% निकाल लेंगे। 100 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थात 100 का मतलब कुल आप निकाल लेंगे, तो कुल सैनिक मतलब तो कुल दोस्तों वो आपके होंगे 100, पहले तो 100 ही होंगे, ये प्रतिशत आपका हो गया। बराबर कितना हो जाएगा देखिए, यदि आपको 94% बराबर 282 है तो 100% बराबर कितना होगा 282×100 और / 94, और दोस्तों ये आप काट दें 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3×100 बराबर कितना हो गया 300, तो टोटल सैनिक यहाँ पर 300 होंगे पहले, तो 300 में से दोस्तों 282 यहाँ पर शहीद हो गए, 300 - 282 कर दिया आपने, तो बराबर कितना बचेगा, ये आपका दोस्तों 18 आता है, अर्थात 18 लोग वहाँ पर मारे गए थे लड़ाई में, तो ये आपका निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला देख रहा है तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 144/225 का वर्गमूल आपको बताना है। देखिए आपको भिन्न के फॉर्म में दिया है लेकिन है आपका वही, आपका मेथड वही रहेगी क्योंकि आपका जब वर्गमूल निकालना पड़ता है तो मेथड वही आपकी लगेगी जो आपकी नॉर्मल लगती है। आप 144 का निकाल लीजिए वर्गमूल, 1 × 1 = 4 वैसे आप यहाँ पर 225 का निकाल दीजिए, और आपको पता होगा हमारा 144 का 12 होता है और 225 का हमारा 15 होता है, तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर
आंसर आ जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिख रहा है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर त्रिकोणमिति और ज्यामिति वाले और प्रतिशत वाले और भी हमारे यहाँ पर अन्य प्रकार के क्वेश्चन देखे अन्य टॉपिकों के, और भी हम दोस्तों इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको लगातार बताते जाएंगे। हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों और बेहतरीन वीडियोज़ के साथ हम आपको मिलेंगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके थैंक्स।